नमस्कार दोस्तों, धर्मिस केक एंड बेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ गनाश की रेसिपी शेयर की थी, तो आज उसी गनाश का यूज करके हम ट्रफल केक बनाएंगे। चॉकलेट ट्रफल केक तो ऑलरेडी हमने आपके साथ शेयर की हुई है, लेकिन आज हम वेनिला ट्रफल केक बनाएंगे। और लास्ट वीडियो में हमने जितना गनाश बनाया था वो आधा किलो केक के लिए परफेक्ट है, लेकिन स्पॉन्ज के लिए प्रीमिक्स कितना लेना होगा वो हम वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बनाना वेनिला चॉकलेट ट्रफल केक। यहाँ मैंने ओडी इकोबेक पार्चमेंट पेपर लिया है और इसे मैंने टिन की साइज में कट करके अरेंज कर लिया है, जिसे हमारा केक ना जलेगा, ना चिपकेगा और ना हार्ड होगा। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप चाहे तो आसानी से ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हो। अब केक बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3/4 कप यानी कि 1/4 कप रेडीमेड प्रीमिक्स लिया है और ये वेनिला प्रीमिक्स है। अब उसी में थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और बैटर बना करके तैयार करेंगे। हम रेडीमेड प्रीमिक्स में ऑयल या बटर ऐड नहीं करते, आप चाहे तो 1 टेबलस्पून जितना बटर या फिर ऑयल ऐड कर सकते हो। आज हम ट्रफल केक बना रहे हैं तो ट्रफल का वज़न ज़्यादा रहता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर स्पॉन्ज का वज़न कम लिया है। तो यहाँ हमने बैटर बनाने के लिए 1/2 कप जितना पानी का यूज़ किया है। तो ये हमारा बैटर रेडी है, अब इसे इकोबेक पेपर लगाए हुए टिन में निकाल लेंगे। टिन मेरा 5 इंच का है। अब इसे हम प्रीहीटेड कढ़ाई में बेक करने के लिए रखेंगे। कढ़ाई को मैंने 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया था, 5 मिनट तेज आंच और 5 मिनट मध्यम आंच पर प्रीहीट किया था। तो अब केक को हम कढ़ाई में रख देंगे और केक को हमें 5 मिनट तेज आंच और 20 मिनट धीमी आंच पर बेक करना होगा। तो टोटल हम केक को 25 मिनट के लिए बेक करेंगे। 25 मिनट के बाद केक को चेक कर लेंगे, स्टिक डालकर चेक करेंगे। स्टिक साफ निकली है, मतलब हमारा केक बेक हो गया है। अब केक को हम बिल्कुल ठंडा होने देंगे और उसके बाद हम फ्रोस्टिंग करेंगे। ठंडा होने के बाद इको बेक पेपर हटा देंगे। अब सबसे पहले हमने जो गनाश बनाया है उसे पाइपिंग बैग में भर लेंगे। और आगे का हिस्सा थोड़ा सा कट कर लेंगे। अब केक भी ठंडा हो गया है तो इसे 2 भाग में कट कर लेंगे। केक स्पॉन्ज को अच्छे से सोक करेंगे। अब गनाश का एक लेयर करेंगे। और स्पैचुला को थोड़ा सा पानी में डिप करेंगे और स्प्रेड करेंगे। थोड़ी सी चोको चिप्स भी डाल देंगे और ये जो ऊपर वाला लेयर है उसे उल्टा करके रखेंगे, पानी से सोक करेंगे और पूरी केक को गनाश से कवर करेंगे। अब फिनिशिंग करने के लिए स्पैचुला को पानी में डिप करते जाएंगे और फिनिशिंग करते जाएंगे। जहां पर गनाश नहीं लगा है वहां पर हम लगा देंगे। तो यहां हमने रफ फिनिशिंग कर लिया है, अब हम इसे 10 मिनट के लिए फ्रीज में रखेंगे और इसके बाद हम इसका फाइनल फिनिशिंग करेंगे। अब 10 मिनट के बाद मैंने केक को फ्रीज से निकाल लिया है, अब हम फिनिशिंग करेंगे। अब जो ड्रिप वाला गनाश था उसे भी मैंने पाइपिंग बैग में भर लिया है, तो इसी से हम ड्रिप्स करेंगे। अब ड्रिप वाला गनाश है उसे हम आधी केक में स्प्रेड करेंगे इस तरह से। अब जो फ्रोस्टिंग वाला गनाश बचा है उसे मैंने पाइपिंग बैग में डाल दिया है और मैंने नूर का N1 नोजल लिया है, अब उसी से हम डिजाइन करेंगे।
अब मैंने यहाँ नॉन एडिबल फ्लावर्स लिए हैं, ये आपको केक मटेरियल मिलता हो ऐसी कोई भी शॉप में मिल जाएगा, और ये मैंने 40 रुपीज में लिया था। और पर्ल से गार्निश करेंगे ताकि हमने जो फ्लावर्स बनाया है उसका फिनिशिंग अच्छा दिखे। अब मेरे पास एडिबल सिल्वर पेपर है, इसी से हम गार्निश करेंगे। केक का वजन करके भी देख लेंगे, 1/2 किलो से थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन ये परफेक्ट मेजरमेंट है। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए केक बनाइए और सबको खिलाइए और एंजॉय कीजिए। बाय बाय।